22 जनवरी को गुरुग्राम में भी महादीपावली मनाने की तैयारी है और तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने तैयारी कर रखी है। यहाँ लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, तमाम बड़े संगठन के पदाधिकारी हैं। क्या कुछ होगा 22 जनवरी को इस बार? देखिए, 22 जनवरी को महादीपावली के पर्व के रूप में मनाया जाएगा और उसकी भव्यता आपको गुरुग्राम में महानगर में देखने को मिलेगी। दुनिया भर के दीपक जलाए जाएंगे, मंदिर सजाए जाएंगे। कितने मंदिरों में तैयारी है? 450 मंदिर है, लगभग 250 मंदिर में तय हो चुका है जी। और हमें लगता है कि 400 मंदिर जो मतलब जो थोड़ी ठीक ठाक मंदिर है उन सब में 400 मंदिर कम से कम भव्य प्रोग्राम किए जाएंगे और सभी मंदिरों को लाइट में सजाया जाएगा और भंडारों का आयोजन होगा। उस दिन हवन पूजन भी किया जाएगा, बहुत भव्य प्रोग्राम होगा उस दिन। ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में तो तमाम मीट की दुकानें बंद होगी, क्या गुरुग्राम में भी उस दिन बंद कराने की तैयारी है? ऐसा है कि ये तो स्वतः ही उन लोगों ने कर देनी चाहिए। जैसे अभी पता चला है कि जो दूसरे मुस्लिम संगठन है उन्होंने भी ये इसका समर्थन किया है, तो मुझे लगता है कि स्वतः ही वो बंद करेंगे और नहीं तो आग्रहपूर्वक प्रार्थना करेंगे भाई उस दिन मीट की दुकानें बंद रखें गुरुग्राम। महादीपावली मनाई जा रही है, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं और जैसे इन्होंने बताया 450 मंदिरों में, और इसके अलावा क्या क्या तैयारी है, कहाँ कहाँ हवन पूजन है? गुरुग्राम के अंदर पूरा गुरुग्राम राममय होने वाला है और हो चुका है। अभी जिस तरह से शोभा यात्राएं निकाली और जिस तरह से उत्साह सभी के अंदर देखने को मिला, शानदार। और उसी कड़ी में ताऊ देवलाल स्टेडियम के अंदर 1008 कुंडीय हवन भी होगा, जो कि जिस समय वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा उसी समय ठीक वो हवन प्रारंभ होगा। और गुरुग्राम के सभी मंदिरों में LED स्क्रीन लगाकर उस कार्यक्रम को देखा जाएगा, महाआरती में सभी लोग शामिल होंगे और भव्य दिव्य हनुमान चालीसा का पाठ होगा वहां पर। तो मतलब अपने आप में इतना उत्साह शायद ही पहले कभी देखा। गगन जी, एक सवाल आ रहा है कि तमाम ऐसे इलाकों में DLF हो या तमाम ऐसे इलाकों में लोग रह रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है 22 तारीख को वो कैसे जुड़ें? किसने कहा कि उन लोगों को जानकारी नहीं है? हमने तो बहुत यात्राएं वहां कराई हैं, हाई राइज हर सोसाइटी में हमने अक्सर पहुंचाए हैं, घर घर निमंत्रण दिया है, तो आपकी जानकारी शायद दुरुस्त नहीं है। हर जगह हर इंसान को पता है उस दिन क्या है, सबके घर में निमंत्रण स्वरूप पीले चावल पहुँच गए हैं और सबने उस आयोजन को ना कह के उत्सव को मनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। एक जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कुछ अपील करोगे सर, जो लोग जिनके पास तक आप लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, अक्षत नहीं पहुंच पाया है उनको? जिनके पास नहीं पहुंच पाया है उन तक भी पहुंचेगा, अभी समय है, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो उनको भी हम निमंत्रण देते हैं। एक सबको ये बताते हुए बड़ा खुशी का माहौल है और ये बताना चाहेंगे कि 22 जनवरी को 11 से 1 का जो समय है प्राण प्रतिष्ठा का, उस समय अपने नज़दीक के मंदिर में जाकर, सभी मंदिरों में कार्यक्रम है, तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ और सूचना देना चाहता हूँ, 11 से 1 अपने स्थान के लिए मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस कार्यक्रम को भी देखें और उस समय जो महाआरती होगी उस समय वो शामिल हों उसमें। और शाम के वक्त एक सबसे बड़ी दीपावली जो मनने जा रही है उसके भी भागीदारी बने, अपने घर में दीपक जलाएं और खुशियां मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहां से तमाम लोग जा रहे हैं, मैं एक लाइन में जानूंगा क्या कुछ आप उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं जो लोग जिन लोगों तक आप लोग नहीं पहुंच पाए, कितने लोगों तक अभी पहुंच गए भी बता दीजिएगा। ऐसा अब तक लगभग हम 2 लाख घरों तक परिवार तक पहुँच चुके हैं, 2-3 लाख 4 लाख का टारगेट था, अभी मेरे साथी ने बताया कि 3 लाख तो कवर हो चुके हैं पूरे, हमारे संयोजक जिनके पास पूरा डाटा है। हम जिनके पास नहीं पहुंच पाए, पहली बात तो हम 15 तारीख तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचा आपके चैनल के माध्यम से आग्रहपूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो उस दिन इस महा दीपावली में जरूर हिस्सा लें और जो महाआरती है, चाहे परिवार में मंदिर तक भी ना पहुंच पाए तो घर परिवार के एकत्रित होकर के और TV पर जरूर देखें और उस महाआरती का आनंद लें। निश्चित तौर पे आनंद का विषय है और इसके साथ साथ आस्था का भी बड़ा विषय है और निश्चित तौर पे विश्व हिंदू परिषद के तमाम अधिकारी हाथ जोड़कर सबसे करवट प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो 15 जनवरी तक आपके घर में भी अगर आपके घर में ये लोग नहीं पहुंचे, इनका अक्षत नहीं पहुंचा है, निमंत्रण नहीं पहुंचा है, तो लोग पहुंचेंगे ज़रूर, अगर नहीं पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर आपसे यहीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उस दिन इसमें भागीदार ज़रूर बने और गौरव का अनुभव जरूर करें कि 500 सालों का इतिहास एक बार हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इस इतिहास में भागीदार बन रहे हैं।